कि इस वक्त आपको एमसीक्यू की बुक पढ़नी चाहिए। अगर आपने पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखी, बिल्कुल फ्रेश पढ़ने का सोच रहे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। क्योंकि अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करने लगे नए फिर से, तो आप रिवीजन अपने डिस्क्रिप्टिव पार्ट के नहीं कर पाएंगे, और एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव पार्ट से ही कवर हो जाते हैं काफ़ी हद तक। तो आप 10-12 नंबर के लिए जो आप सोच रहे हैं कि एमसीक्यू रिपीट हो जाएंगे, उसके लिए आप अपना टॉपिक जितना भी 80 नंबर का, 85 मार्क्स का जो भी सिलेबस है, आप उसको खतरे में डाल दें, उसको रिस्क पे डाल दें। तो अगर आपने पहले से एमसीक्यू सॉल्व कर रखे हैं, तो उसको इस बार रिवाइज ज़रूर कीजिए, उसको रिवीजन के लिए नहीं छोड़ना है। आप उसको अभी भी रिवाइज कीजिए, आप लास्ट डे पे भी उनको देख कर जाइएगा, 2 घंटे निकालिए एटलीस्ट, बस क्वेश्चन देख कर रीड करके एमसीक्यू रीड कर लिया, उसको सॉल्व करने के दिमाग लगाने की कोशिश मत करना। और अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा, आप बिल्कुल फ्रेश अनटच लेकर आने वाले हैं, तो आप बिल्कुल एमसीक्यू बुकलेट के पीछे मत पड़ना। आप सिर्फ और सिर्फ जो आपके आरटीपी और एमटीपी में एमसीक्यू आएंगे, जो केस स्टडीज है, आप उनको देख के चले जाना है। और उनको देखने का तरीका भी मैं बहुत इजीली बताऊंगी कि आप खुद से सॉल्व करना, नए क्वेश्चन को मत कोशिश करना। बहुत से टीचर जैसे बीबी सर सॉल्व करवा देते हैं वीडियो में, तो आप स्पीड एडजस्ट करके स्पीड को 1.5 या 2 जितना भी आप सह सकते हैं, उतनी स्पीड में आप उस एमसीक्यू की रिवीजन वीडियो देख कर उसको जल्दी जल्दी कवर कर लें। क्योंकि आप खुद से सॉल्व करने में लगेंगे तो आप पूरा एक दिन वेस्ट कर देंगे, और इस वक्त आपके पास सिर्फ एमसीक्यू या आरटीपी एमटीपी पे वेस्ट करने के लिए 1 या 2 दिन नहीं है। आपको बहुत ही स्पीड में अपना सिलेबस कवर करना है, तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना। तो बेस्ट ऑफ लक।